सत श्री अकाल, दिस इज दिशा, आपका स्वागत करती हूँ हमारी खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो विदर्भा की पहली क्राइम सीरीज यानी क्राइम फाइल्स के एपिसोड 3 जो आने वाला है बहुत ही जल्दी आपके सामने, उनके स्टार कलाकार मौजूद है हमारे साथ है यहाँ पे क्राइम फाइल्स एपिसोड 3 की लीड एक्ट्रेस रोशनी सलोकर, साथ ही जो बहुत ही अच्छी डैशिंग भूमिका में हमें दिखने वाले हैं समीर डंडारे जी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है पहले तो बहुत ज्यादा। जिस तरीके से ट्रेलर को प्रतिसाद मिला है, जो टीजर है रिलीज हमने किया था उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है लोगों की ओर से आपका, तो यार एक्साइटमेंट फुल होगा आपका क्योंकि जल्दी आने वाला है। और जो जिस तरीके से प्रतिसाद मिला है मतलब दर्शक भी इसको देखना चाहते हैं, खासी आप भी लोग चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द आए ताकि दर्शकों का प्रतिसाद कैसा है वो आपको पता चले, तो कितना हाई लेवल एक्साइटमेंट है मैं दोनों से जानना चाहती हूँ। समीर जी आपसे शुरुआत करती हूँ। हम तो जब ये शूट हुआ उसी दिन से हमको ये लग रहा था कब ये एपिसोड आएगा, और सारे जो टीम है जो हमारा यूनिट है वो सारे लोग ये वेट कर रहे हैं कि कब ये लॉन्च होगा और हम सबको पता चलेगा। अगर रोशनी तो बहुत अच्छे एक्टर है उसमें तो कोई ये नहीं है, और हमारे जो डायरेक्टर थे सत्यम मिश्रा सर उन्होंने भी बड़ा अच्छा हमको कोऑपरेट किया, जो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो सर सारी चीज़ें उन्हें एक टीचर जैसे हमें समझाया कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा यूनिट है तो काम करने में बहुत मज़ा आया। ओके रोशनी, कहीं ना कहीं इस जो सीरीज मतलब एपिसोड में है आप थोड़े से बोल्ड अंदाज में नजर आ रही है, आपका एक्साइटमेंट कैसे खुद को देखने का और उसके बाद दर्शकों की जो प्रतिक्रिया आएगी उसको देखने का, क्या एक्साइटमेंट लेवल आपका? एक्साइटमेंट जब ये घटना हुई और जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा नागपुर में खापरखेड़ा में जब हुआ था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ एक्ट और ऐसा कुछ कैरेक्टर मुझे मिलेगा, तो मैंने भी बहुत सोचा और बहुत सोची मैंने कि कैसे करूँगी क्या करूँगी, पर एज अ एक्ट्रेस होते हुए मैंने सोची तो मैं बोली यार प्रॉब्लम क्या है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जिस लड़की में गट्स होते हैं वही लड़की नागपुर जैसे शहर में ये कैरेक्टर कर सकती है। ओके बहुत सही बात की आपने। बस वैसे मैंने ही किया तो डिफिकल्टी आई बहुत आई बट मैंने माइंड नहीं किया। ओके समीर जी जैसे कहीं ना कहीं स्टोरी एक रियल बेस्ड स्टोरी है, ये एक सत्य घटना पर आधारित है जिस तरीके से खापरखेड़ा में हुआ, क्या जानकारी देंगे आप इस बारे में थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों को? मेरा इतना ही कहना है कि जो अभी खापरखेड़ा में जो घटना घटी है वो पेपर में आई भी थी तो ऐसे बहुत लोगों ने पढ़ा होगा नहीं होगा पता नहीं मुझे, पर इस क्राइम स्टोरी के माध्यम से जिन लोगों को पता भी नहीं था क्या हुआ वो नागपुर के विदर्भ के यहाँ तक एमपी तक जहाँ तक हमारा ये सब चलता है नेटवर्क चलता है वहाँ तक के हर लोगों को घर घर में ये बात पता चलेगी कि खापरखेड़ा में ऐसी भी घटना हुई थी। और मैं ये बिल्कुल मैं इस बात पर जोर दूंगा कि ऐसी जो घटना होती है जो छोटे गांव में होती है कई चौराहे पे होती है वो घटनाएं इस क्राइम स्टोरी के माध्यम से हर घर के लोगों को हर व्यक्ति तक ये पहुंचे और मैसेज जाए कि ये इस घटना का विरोध करे और जो ऐसे क्राइम हो रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाना यही हमारा क्राइम स्टोरी का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं जितना भी मतलब सतर्कता बढ़नी चाहिए बहुत जरूरी है वो समय की जरूरत भी है, कहीं ना कहीं लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे क्राइम होते हैं इससे सतर्क होना चाहिए डरना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं। रोशनी जिस तरीके से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके बाद आपकी भूमिका भी लोगों ने देखी कहीं ना कहीं, तो क्या आपको किसी ने ऐसा बोला कि ये सीन क्यों कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से आपका बोल्ड अंदाज पूरा यहाँ पे दिखाई दिया है तो कितने लोगों का अपोजिशन आया इस चीज़ को? हाँ अपोजिशन तो बहुत आया क्योंकि ये लाइफ का मेरा ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने बोल्ड सीन की है, तो जब ट्रीजर ट्रेलर जब रिलीज हुआ और मैंने शेयर किया और जो कुछ लोगों में पता चला या लोगों ने देखा तब बहुत से लोगों ने मुझे बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो बोलते हैं ना चुगली टाइप वैसे यार रोशनी ऐसे कर रही है ऐसा किया उसने, तो मुझे थोड़ा लगा था थोड़ी देर के लिए कि नहीं
मैंने कुछ आड़ तो नहीं किया या गलत गलत तो तो नहीं नहीं करने। हाँ किया तो, पर मैंने सोची कि चलो वो भी एक कैरेक्टर ही है, तो आज मैंने किया, तो अगर मैंने नहीं की रहती तो मेरे जगह कोई और ने भी किए रहते, है ना, किसी एक्ट्रेस हाँ ने। तो बस मैंने उतना माइंड नहीं किया, पर हाँ, पर बोले मुझे बहुत लोगों ने। ओके, बहुत लोगों ने इसको हाँ अपोज किया, हाँ बट इट्स लाइक कि एक कलाकार हूँ तो मैं करूंगी, कोई भी हाँ रोल हो वो किरदार मैं निभाऊंगी जरूर। हाँ एग्जैक्टली कहीं ना कहीं समीर जी, आपका भी इसमें जो यूजुअली आप विलन की भूमिका अदा यस करते हैं, और यस इसमें एक पुलिस कॉप की आपकी भूमिका रहेगी, कितने चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़े, क्योंकि एक विलन से एकदम पूरा पॉजिटिव रोल में आना था, पूरा डिसिप्लिन में, तो कितने सारे चेंजेस आपने फेस बहुत ज़्यादा। मुझे किए? डिफ़ॉल्ट क्या लगा कि मैंने अभी तक सिर्फ विलेन के ही काम किए, मतलब अब तक 10-12 फिल्में और 17 सीरियल्स किए हैं, उसमें क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, पंचनामा, ससुराल से मरना, बहुत सारे उसमें ऐड है। सब जगह मैंने निगेटिव काम किए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे हुआ कि मुझे कॉप का रोल जो मैं कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर का रोल, तो वो डिफिकल्ट गया, क्योंकि वो विलन में थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड स्टेप में था, लेकिन ये कॉप में एकदम डिसिप्लिन में रहना डिसिप्लिन पड़ता था। में रहना और साथ में जो वर्दी है, वर्दी का तो सैल्यूट है, था, वर्दी एक बार पहनने के बाद ना वो इंसान में वो रुतबा। ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब हाँ जो इंसान ऐसा कुछ ये होगा, मतलब शाई टाइप होगा, लेकिन वर्दी पहनने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हाँ जो डायलॉग भी बोलेंगे हम लोग, क्या है कैसा, तो वो जो एक वो कॉन्फिडेंस लहजा है, ही चेंजेस यस है, पूरा बिल्कुल, एक्चुअल में लहजा चेंजेस है। और वो बहुत ज़रूरी है। हाँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डर भी लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे रोल कर रहा, लेकिन मज़ा आ गया। डायरेक्टर है और टीम भी सब अच्छी है, तो सब लोगों ने मिलके ओके, जो तो क्या है इतने डिसिप्लिन आप आपकी लाइफ में भी है, मतलब इतने डिसिप्लिन से आप रहते हैं जितने डिसिप्लिन से आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रहते हैं, डिसिप्लिन है जो लाइफ में कुछ छोटे बहुत, लेकिन हर बार ऐसे डिसिप्लिन में रहना भी पसंद नहीं आता, ओके क्योंकि एंजॉय भी किया जाता है। मतलब जितने स्ट्रिक्ट आप है वहां पे आप दिख रहे हो, उतने स्ट्रिक्ट नहीं उतने स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल ओके। रोशनी, कहीं ना कहीं बहुत सारे फन मोमेंट्स भी हुए होंगे शूट के टाइम पे, मतलब ऑफ स्क्रीन जब कैमरास वगैरह बंद हुए होंगे तब बहुत सारी मस्ती वगैरह आपने की, तो दोनों कोई ऐसा सीन जो शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? हाँ मेरे साथ तो हुई है ऐसे। जब मैं बोल्ड सीन दे रही थी, जब कुछ मेरे शॉर्ट्स ड्रेस मैंने पहने थे, तो कैसा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो जो मेरे सत्यम सर है जिनने डायरेक्ट किया इस सीरीज को, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। तो कुछ कुछ ऐसा कुछ मोमेंट था जो जिस लॉज में हमारी शूटिंग चल रही थी वो लॉज में वेटर आए थे 2-3 बार, तो उन्होंने बेल बजाई, तो हम लोग ना ऐसे बहुत बहुत घबरा गए थे कि यार कौन आया होगा कौन है, और जैसे जैसे बेल बजती थी वैसे वैसे मैं शॉर्ट्स ड्रेस में थी, तो उन्होंने वैसे वैसे जो वॉशरूम थी मुझे वहाँ पे भेज दिया करते थे, ऐसे 2-3 बार हुआ था। तो ये बहुत फनी था, और सीरियसली जब ये शूटिंग की जब कुछ भी ऐसी बात होती है फनी वाली, तब तो मुझे ना यही बात याद आती है। ऐसा कोई सीन जिसमें आप दोनों को ही मतलब सबसे ज्यादा टेक लगे होंगे कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है सीन, बहुत टेक लग रहा है, ऐसा कोई सीन आपकी याद में? अब मेरा एक सीन था जिसमें मुझे थोड़े से ज़्यादा टेक लगे। एक्चुअली हम लोग एक स्टोरी, मतलब क्या है, एक्चुअली वो ये वीडियो देख रहे थे हम लोग, तो वीडियो देख रहे हैं और सडनली कोई तो भी आता है वहाँ पे, तो वो छोटा सा एक सीन था जो हमको थोड़ा सा ज़्यादा टेक लग गया, मतलब चार चार टेक लग गए। अदरवाइज सारी शूटिंग वन टेक में ही हुई हमारी, बस वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वहाँ पे आया, और लेकिन डायरेक्टर है तो समझ लिया हमको। मतलब बहुत ही जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब डायरेक्टर साहब का यहाँ पे बहुत बार जिक्र हुआ, कैसी ट्यूनिंग थी आप लोगों की उनके साथ, मतलब किस तरीके से सपोर्ट उन्होंने किया, मतलब कुछ तो रोशनी ने इंस्टेंस बता भी दिया और आपने भी बताया, बट जब उनके साथ ट्यूनिंग की बात करें कैसी रही थी आपकी ट्यूनिंग? फ्रेंडली फ्रेंडली, टोटली हाँ फ्रेंडली, हमें ऐसा कहीं पता लगा ही नहीं हमके कि ये डायरेक्टर है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम दोस्त भाई जैसे काम, कैसा है, बिल्कुल ये बढ़िया, वो तो ये ऐसे ही करते करते शूटिंग हमारी बड़ी अच्छी से हुई। बाकी रोशनी का क्या एक्सपीरियंस? इनफैक्ट मैंने आज तक अभी काफ़ी प्रोजेक्ट में काम किए, तो मैंने आज तक
डायरेक्टर बोले तो बहुत खड़ूस और ना उनको कुछ यानी वो सीन मिला नहीं तो वो ना बहुत इरिटेट वाला काम रहता है, बहुत डांट देंगे, डांट बहुत देंगे, बहुत गाली गलौज कर लेंगे। पर सीरियसली मैं बता दूं कि इस ये प्रोजेक्ट में जो सत्यम मिश्रा सर जी है वो काफ़ी काफ़ी फ्रेंडली उन्होंने हमको ट्रीट किया, मुझे ही नहीं पूरे टीम को, और बहुत ही अच्छा और बिल्कुल फ्रेंडली और शांत। तो मुझे उनका डायरेक्शन और उनके जो बातें, जो मैंने ये सीन करने के लिए जो पहले मैंने उनके साथ में बात की थी, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे बहुत अच्छे से समझा के दिया था और मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी इंसान अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता है। तो जब तक वो फ्रेंडली पूरा वातावरण जैसा तैयार नहीं होगा, हाँ, तब तक वो काम अच्छा नहीं होता। काम तो हो जाएगा पर वो अच्छा होने के लिए वो बात जरूरी है। और सबसे मेन बात तो मुझे ये पता चली सत्यम सर को देख के कि सत्यम सर बहुत काम के मामले में बहुत डेडिकेटेड है, तो बहुत मेहनती भी दिखे मुझे, बहुत बोलते ना वो प्यार से समझाने वाले, बस वैसे ही। तो जिस तरीके से क्राइम फाइल्स ये जो सीरीज आ रही है, कहीं ना कहीं ये जितनी भी सत्य घटनाएं हैं उन पर आधारित होती है। समाज में बहुत सारे क्राइम होते हैं, आपका भी जो एक एपिसोड है वो एक किसी क्राइम बेस पे ही लिया गया है। अब जिस तरीके से ये घटना है उसमें क्या आप संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शक जितने भी है उनको, कि किस तरीके से उनका बिहेवियर या फिर कितनी सतर्कता उन्हें चीज़ों में रखनी चाहिए उस बारे में? एक्चुअली एपिसोड में जो दिखाया है वो आप एक बार देखना, क्योंकि उसमें जो यंग स्टार जो कपल्स होते हैं, जो आजकल होटल में जाके जो एंजॉय के नाम पे जो कुछ वल्गैरिटी चलती है, तो उसी से क्राइम ज्यादा हो रहे हैं। जो क्राइम रेशो है अगर आप देखोगे तो यंग लड़के लड़कियां मिलकर जो पब जाते हैं, पार्टी जाना चाहिए, अच्छी बात है, कोई उसमें ही नहीं, लेकिन कभी कभी एक लिमिट भी बहुत जरूरी होती है। मैं अपने क्राइम स्टोरी के पूरी टीम के तरफ से मैं अब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, एंजॉय सब करते हैं, सबके फ्रेंड होते हैं, हमारे भी फ्रेंड्स हैं, पर हर एक जो लड़की होती है वो लड़की ने भी खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, और ये जो नाइट आउट जो करते हैं वो थोड़ा सा उस पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसी से ही क्राइम का जन्म होता है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि ये जो एपिसोड है बहुत इंटरेस्टेड है, और जो घटना हुई थी खापरखेड़ा में सबको ये पता है कि हुई थी, पर वो कैसे हुई थी, उसके पीछे क्या था, क्या रीज़न था, और सही में वो लड़के ने मारा था या लड़के का कुछ ये था, क्या हुआ था, ये सब कुछ वो एपिसोड में दिख जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने सबने देखना चाहिए, और मेरा काम और BCN न्यूज़ चैनल टीम का काम कैसा है, आर्टिस्ट लोगों का काम कैसा है, तो आपने सबने देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जल्द ही दर्शकों को episode 3 जो है इसका वो देखने मिलेगा, किस तरीके के दोनों के एक्सपेक्टेशन से इसको जुड़े, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं और बात जब ये क्राइम की है, कहीं ना कहीं दोनों के लिए, मतलब आपके लिए रोशनी स्पेशली, नया नया था क्राइम में आना शायद कहीं ना कहीं, और उसमें भी इंटीमेट या फिर बोल्ड सीन जो करना था, तो एक्सपेक्टेशंस आपके दोनों के जानना चाहते हैं कि कितने एक्सपेक्टेशंस इस एपिसोड से है। बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं ये तो राह ही देख रहा हूँ कि कब ये लॉन्च होगा, कब ये आएगा, और क्योंकि ये एक संदेश है, एक्चुअली हम जो कर रहे हैं ये संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कि कोई भी क्राइम जो भी बताया रोशनी जैसे बताया कि जो क्राइम होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। हम पेपर में पढ़ते हैं 2 लाइन में कि ये आया फलाना मर्डर हो गया, ये हो गया, बलात्कार हो गया, तो वो डिटेल जो है वो समझ में नहीं आती, वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, तो वो सारी चीज़ें जो है क्राइम स्टोरी के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम हमारी BCN की टीम कर रही है। ओके रोशनी, हाँ मुझे मैंने भी इसके पहले 1-2 एपिसोड्स किए हैं, तो पर बोल्ड कैरेक्टर ये मेरे पहले बार है बोल्ड का, तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था कि मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, पर जब कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग था तो मैं बोली कि आर्टिस्ट है तो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 2 दिन लोग बोलेंगे, पर मेन बात तो ये है कि वो एपिसोड में क्या है, उस
एपिसोड के माध्यम में मैं कैसे दिख रही हूँ, जो मेरा जो कैरेक्टर है, मैं क्या कर रही हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। और इसी के ही वजह से मैंने ये कंटेंट में और ये कैरेक्टर में मैंने काम किया। बाकी बोल्ड के सिलसिले में बोले तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ था जब मेरा शूट लग रहा था, जब वो सीन्स शुरू थे, सेटअप था और जो कुछ भी, तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता था कि नहीं यार, मैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, पर नहीं, पर मुझे ऐसे लगता है अभी ये सब कंटेंट देख के सब कुछ के बहुत ही अच्छा है और मैंने किया तो अच्छा ही किया। ओके। कहीं ना कहीं एक अपील जो हमारी जनता जनार्दन है, जो दर्शक है, आप लोगों को देखने वाले हैं जल्द ही, क्या अपील करेंगे? एक लास्ट अपील उनके लिए। वही बोलूंगी कि आप जरूर देखिए, बस जरूर देखिए और अच्छा प्रतिसाद दे। हाँ, अच्छा प्रतिसाद दे और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके पीछे क्या हुआ था क्या नहीं वो सब आपको दिख जाएगा। मेरा एक कहना है कि जो क्राइम स्टोरी है इसे एंटरटेनमेंट के तरह से मत देखिए। हाँ। हम लोग आपको सतर्क कर रहे हैं। हमारा काम है आपको बताना, आप तक ये बात पहुंचाना कि अब ठीक है, अब जब ये जो हमारी शुरू है बोल्ड सीन है ये व्हाटएवर, वो रियल हो चुका है, वैसा एक्चुअली हो चुका है। वो हमने ऐसा उसको डाली नहीं है मसाला कि आप देखो और आप लोग एंजॉय करो, ऐसा कुछ ही नहीं है। जो सत्य घटना जहाँ घटी है वही हमने इस स्टोरी के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज इसे जरूर ये कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी मैडम तो है ही। ओके। मतलब कहीं ना कहीं जितना भी है कि अच्छा प्रतिसाद दीजिए, देखिए। और एक बात मैं बोलूंगी कि जैसे आजकल के लड़के लड़कियां प्राइवेसी के लिए बाहर जाते, लॉज में जाते इंजॉय के लिए, पर वहाँ पे ये दिखाया है कि सीरियसली जो कभी सोचा भी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे करते टाइम पे भी ऐसे कुछ हो सकता है। तो मुझे ये बोलना है मेरे जैसे और जो पीपल, वो जो बाहर जो जनता है, उनको मैं यही बोलूँगी कि कोई भी चीज़ बता के नहीं होती, कोई भी अपराध जो है वो आपको पहले बताता नहीं, वो दस्तक देके नहीं आता है, वो हो जाती है, पर हमको यही चीज है कि सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए। और इस एपिसोड से माध्यम से हम यंग जितने भी है लोग, यूथ है, सबको बताना चाहते हैं कि इस टाइप के भी क्राइम होते हैं। एग्जैक्ट, आप ये एक बार देखो समझो, मतलब यूजुअली वो फन के लिए कर लेते हैं चीजें, बट उनको ये नहीं पता कि उसके बाद के डिसएडवांटेजेस ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यही चीज जो एपिसोड बताता है कि सतर्कता बरतिए, सावधान बरतिए, और साथ ही एक सोशल मैसेज जो देता है हमारा एपिसोड 3, जरूर देखिए उसे, बहुत सारा प्रतिसाद दीजिए, अच्छा खासा बताइए हमें कि किस तरीके से जो एपिसोड 3 में टीम ने पूरा काम किया है क्राइम फाइल्स की, वो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ देखते रहिए BCN न्यूज हमारे इस खास मुलाकात में। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।